अस्सलामु अलैकुम। सो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी मतलब टीबी हम टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है एंड सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में जो है ना इसके लिए एक निमोनिक है, तो उसमें जो है ना मैंने एक निमोनिक बनाया है, उसका है मतलब प्राइस केप्ट सीआर एंड को, मतलब जो ये ऑल्दो इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट बट आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस केप्ट सीआर एंड को, मतलब जो कीमत था सारा सीआर और उसके बंदों ने रख लिया, तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये जो है ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इधर प्राइस का मतलब है प्रीसे पैराजिनामाइड, आर से रेफाम्पिसिन, आइसोनियाजेड, एस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ई इथाम्ब्यूटोल, एंड केप्ट से इधर बनता है केप्ट, तो कानामाइसिन, एथियोनामाइड, पारा अमीनो सालिसाइक्लिक एसिड, थायो एसिटाजोन एंड अदर सम जो है ना इधर पे जो है ना बस कुछ और ड्रग्स है जो न्यूली डिस्कवर्ड है। असल में ये भी मतलब ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना जो है सी आर एंड को, मतलब सी आर और उसके बंदे जो है ना, मतलब सो सी आर से जो है ना क्लेरेथ्रोमाइसिन जो कि एक मैक्रोलाइड है, आर से मतलब है रिफाब्यूटीन, एंड से ए से बनता है एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक मैक्रोलाइड है, एंड सी से बनता है सेप्रोफ्लक्सासिन जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन है, एंड ओ फ्लक्सासिन इज आल्सो फ्लोरोक्विनोलोन। और इधर पे जो है ना हमारे पास जो है ये कैनामाइसिन, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, और इसके अलावा जो है ना ये भी मतलब सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स में आता है। इसमें जो है ना थायोएसिटाजोन जो है ये सेकंड लाइन ऑफ, मतलब ये जो है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग में आता है, लेकिन बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया ग्रोथ को जो है ना वो स्टॉप करता है ये जो है ये थायोएसिटाजोन। असल में जो है ना जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जब फेल हो जाते हैं ना, जब रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब या रेजिस्टेंट हो जाता है या फेल हो जाता है ट्रीटमेंट में, तो इसमें जो है ना इसके बाद हमने सेकंड लाइन ऑफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या जो असल में ये जो है ये इतना ठीक नहीं है, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हम ये यूज़ करते हैं, अगर ये काम ना करें तो फिर ये इसके बाद सेकंड लाइन ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये सेकंड लाइन ये जो है ना मोर टॉक्सिक है देन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, एंड ये जो है ना इफेक्टिव भी लेस इफेक्टिव है ये, और ये जो है ना स्टडीड भी सही नहीं किए गए हैं, मतलब लेस एक्सटेंसिवली स्टडीड, मतलब स्टडी जो है ना ये इतना डीप स्टडी नहीं किया हुआ है जितना ये जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग स्टडी किया हुआ है। और इस तरह जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में जो है ना ये सबसे पहले जो है ना हमारे पास जो है ना पैराजिनामाइड, रिफाम्पिन, एसोनियाजिड एंड एथम्ब्यूटोल, लेकिन समटाइम जो है ना एथम्ब्यूटोल अगर इफेक्टिव नहीं है तो फिर उसकी जगह हम ये जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन ऑल्सो रिप्लेस एथम्ब्यूटोल। सो सबसे पहले हमने जो है ना आपको पता है कि सबसे पहले टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने का होता है, तो सबसे पहले हम 6 महीने में जो है ना पहले 2 मंथ में जो है हम वो जो है ये पैराजिन पहले 4 ड्रग्स देते हैं, और फिर नेक्स्ट 4 महीनों के लिए हम दो ड्रग देते हैं। तो अगर हमारे पास ये मंथ्स हैं, ये जो है मंथ्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ ये मंथ्स है इसमें, तो हम सबसे पहले जो है ना ये 4 ड्रग्स हम देंगे फॉर टू मंथ्स, और अगर मतलब इसके फिर इसके बाद जो है ना कंटिन्यूएशन हम जो कंटिन्यू करेंगे फिर 2 ड्रग्स, मतलब रेफाम्पिन एंड आइसोनियाजिड प्लस आइसोनियाजिड, ये हम 4 महीनों के लिए फिर ट्रीट कंटिन्यू करेंगे, मतलब पहले ये करेंगे चार ड्रग्स 2 महीनों के लिए, फिर नेक्स्ट 2 ड्रग्स 4 महीनों के लिए फिर ये हम करेंगे। इसमें जो है ये पहला फेज़ जो होता है तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिव फेज, जिसमें हम 4 ड्रग्स देते हैं 2 महीनों के लिए, और ये जो दूसरा फेज़ है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन फेज़, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यू रखते हैं ट्रीटमेंट को, तो इसको हम कंटिन्यूएशन फेज़ कहते हैं, जिसमें हम 2 ड्रग्स को 4 महीनों तक कंटिन्यू रखते हैं।
और इसके अलावा जो है ना ट्रीटमेंट 6 महीनों से लॉन्ग भी हो सकता है, जिसमें जो है ना कब लॉन्ग होगा ट्रीटमेंट, मतलब 6 महीने से ज़्यादा होगा जब हमारे पास डिफरेंट जब डिफरेंट कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर टीबी मेनिंजाइटिस होगा तो इसमें जो है ना हम जो है ना ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करेंगे 6 महीनों से 12 महीनों तक करेंगे, मतलब 12 महीने ट्रीटमेंट। या मिलियरी टीबी होगा, अगर मिलियरी टीबी है तब भी हम ट्रीटमेंट जो है ना प्रोलॉन्ग कर लेंगे। या जो है ना लंग्स में कीविटेशन बहुत मतलब बिग कीविटी हो तो वो भी जल्दी तो ट्रीट नहीं होगा ना, तो इसलिए हम टीबी को मतलब ट्रीटमेंट को लॉन्ग करेंगे। प्रेगनेंसी में हम जो है ना ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करेंगे तकरीबन 12 महीने या 10 महीने तक कर लेंगे। या मतलब अगर रेजिस्टेंस हुआ तो तब भी ट्रीटमेंट जो है ना प्रोलॉन्ग कर लेंगे। या अगर हम ट्रीटमेंट करते करते मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट है लेकिन फिर भी जो है ना कल्चर पॉजिटिव है, स्मियर कल्चर जो है ना वो पॉजिटिव है, तो फिर भी हम जो है ना ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी।